नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर की इस श्रृंखला में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले आपको हमारे चैनल पर बेसिक कंप्यूटर से संबंधित दो वीडियोस देखने को मिलेंगे। पहले वीडियो में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा की है, कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, कंप्यूटर का क्या सिद्धांत है, ये सारी बेसिक जानकारियाँ, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, सीपीयू क्या होता है, इन सब के फंक्शंस क्या हैं, इन सब को हमने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया था। इसी तरह से इसके आगे वाले वीडियो में हमने विंडोज डेस्कटॉप के बारे में चर्चा की थी। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जो हमें स्क्रीन मिलती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और इस वीडियो में आपको डेस्कटॉप से संबंधित पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। इनके लिंक्स भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर सीखते समय हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो कंप्यूटर सीखने की शुरुआत करने वाले हैं या जो अपने स्किल को और अपने कंप्यूटर नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं, शार्प करना चाहते हैं, उन सब के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हमें सॉफ्टवेयर को समझना होगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। निर्देशों के समूह को और प्रोग्राम्स के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, ऑल विजिबल और टचेबल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को, उनको पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं तो उनका सीधा सा आंसर होता है, सर जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ दोस्तों, आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को और प्रोग्राम्स के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपने कई प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। आज हम उसी में से एक सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सरल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का मीनिंग है कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं उन सभी को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स को ही दो भागों में बांटा गया है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि इसका नाम है, ये किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, किसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। जो दूसरे सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बटन प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है उसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कंट्रोल करता है। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर से सीधे इंटरेक्ट करता है, सीधे बातचीत करता है और सारा मैनेजमेंट करता है। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मूल रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स और एंड्रॉयड। इसी तरह से यूटिलिटीज प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, और कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारी डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। जितने भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जैसे प्रिंटर है, वेब कैमरा है, उन सब को कंट्रोल करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है, और ये डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर माने गए हैं। जैसे प्रिंटर ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर, अभी हम आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं, पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र के स्पेसिफिक कार्यों को पूरा करते हैं, आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को पूरे करने वाले प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्सनल एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शंस। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन देखकर ऐसा समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन का मतलब हम जो स्कूल में सेवा में प्रधानाचार्य जी टू द प्रिंसिपल वो जो एप्लीकेशन लिखते थे वो होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर है कि आपका जो पर्टिकुलर कार्य है, आपका जो उद्देश्य है, उसे यहाँ पर एप्लीकेशन कहा गया है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए जिन प्रोग्राम्स का यूज़ होता है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे यदि आपको कोई लेटर लिखना है तो उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करेंगे उसे MS Word कहते हैं। इसी तरह से यदि आपको कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए MS Excel का आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए आप PowerPoint का यूज़ कर सकते हैं। आपको अकाउंट्स का कोई काम करना है तो आप टेली सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग के लिए आपको फोटोशॉप का यूज़ करना होगा। मैप मेकिंग के लिए, नक्शे बनाने के लिए आप AutoCAD सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। और आपकी जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आपका व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, इवन यूट्यूब, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह से आप जितने वेब ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ हम इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम OS भी कहते हैं, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सभी को कंट्रोल किया जाता है। आप जब अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। आपने सुना होगा, कई लोग जब बात करते हैं तो पूछते हैं आप किस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इट मीन्स वो ये जानना चाहते हैं कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो कंप्यूटर है वो एक डिब्बा है, उसका कोई यूज़ नहीं है। जब तक उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते हैं उसका हम यूज़ नहीं कर सकते। इसकी इम्पोर्टेंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों आप सभी ने रेलवे स्टेशन देखा होगा, और रेलवे स्टेशन पर सब कुछ बहुत बढ़िया बना हुआ है, बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, सारी सुविधाएँ हैं। लेकिन कहीं कोई आपने ऐसा रेलवे स्टेशन देखा है जहाँ पर पटरियाँ नहीं हों? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, रेलवे स्टेशन है तो पटरियाँ भी होंगी, बिना पटरियों के रेलवे स्टेशन कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर बिल्डिंग भले अच्छी ना हो, सुविधाएं भले अच्छी ना हो, लेकिन पटरियाँ होनी ज़रूरी है। उसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो आपने भले कितना ही बढ़िया खरीद लिया हो, खूब महंगा खरीद लिया हो, लेकिन यदि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो पूरा डब्बा है, उसका कोई यूज़ नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए काम करते हैं। हमें कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कौन सा कोर्स करना है, कितना पैसा वहाँ लगेगा, ये सारा मैनेजमेंट हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं। ठीक इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरे कंप्यूटर का मैनेजर है। मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है, यही उसका मेन फंक्शन होता है। आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, यूज़र को, हम में और आपको। जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमें जो जगह मिलती है डेस्कटॉप, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, उस यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इस तरह से जितनी भी एप्लीकेशंस आप चलाते हैं उन सबको चलाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। और यही नहीं, जितने हार्डवेयर पार्ट्स आपके कंप्यूटर में लगे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही हम सारी एप्लीकेशंस को ओपन कर पाते हैं, उन पर काम कर पाते हैं। तो यदि हम इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करें, हम और आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो हम कंप्यूटर के यूज़र हैं। हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप। हमारे अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, यानी हार्डवेयर से बातचीत करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस तरह से काम करता है।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में सुना होगा। दोस्तों ये एक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसके अलग अलग वर्जन्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का रिलीज़ किया था वो था विंडोज़ 1.0। 20 नवंबर 1985 को रिलीज़ किया गया था। इसके अलावा विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स आपने देखे और सुने होंगे, जैसे विंडोज़ 1.0, विंडोज़ 3.1, 95, 98, XP, ME, Vista, 7, 8 और विंडोज़ 10। दोस्तों ये सारे जो नंबर्स हैं, जैसे आपकी गाड़ी का नंबर होता है, वैसे ही इन ऑपरेटिंग सिस्टम के नंबर होते हैं। इन्हें आप एडिशन, संस्करण ऐसा भी समझ सकते हैं। विंडोज़ के अलावा भी कई पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे मैक ओएस, लिनक्स, और आपके फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम फ़ोन में सारी एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाते हैं। दोस्तों इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम है, जो मुख्य काम है, वो है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। जी हाँ दोस्तों, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद काम करने के लिए जो स्क्रीन आपको वहाँ दिखाई देती है उसे यूज़र इंटरफेस कहते हैं। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यदि आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद केवल आपकी स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है और कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम और आप काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और ये इंटरफेस दो टाइप के होते हैं। पहला GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जितने भी अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए हैं, विंडोज़, यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, वो सभी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। आपने MS-DOS के बारे में सुना होगा, आपने यूनिक्स के बारे में सुना होगा। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है वो एक ब्लैंक स्क्रीन होती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ये एक GUI स्क्रीन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जहाँ आपको आसानी से काम करने के लिए सारे आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कैलेंडर खोलना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कैलेंडर पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, छोटा सा आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो यूज़र को काम करने में आसानी होती है। यदि आप कोई गेम ओपन करना चाहते हैं तो गेम ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको पावर बटन दिखाई दे रहा है, या ऊपर रिसाइकल बिन दिखाई दे रहा है, तो सारे आपको ग्राफिकल आइकॉन के माध्यम से प्रोग्राम्स दिए गए हैं जिन्हें यूज़र आसानी से यूज़ कर सकता है। इस तरह के इंटरफेस को, इस तरह के डिज़ाइन को GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। जबकि इसके ऑपोजिट CUI, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, कुछ इस तरह का होता है। आपने डोज में यूज़ किया होगा C:\DIR कमांड, CD कमांड, इस तरह की कमांड्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसे कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बूटिंग प्रोसेस के बारे में। बूटिंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्टार्ट करना। बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन ये बूटिंग प्रोसेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके से मैनेज करता है। पहला होता है कोल्ड बूट। व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड आफ्टर हैविंग बीन स्विच्ड ऑफ। किसी ऐसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना जिसे बंद किया जा चुका है। आपने कोई कंप्यूटर बंद कर दिया है और उसके बाद आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे हम कोल्ड बूट कहते हैं। इसी तरह से यदि आपका कंप्यूटर पहले से चल रहा हो और आप उसे रिस्टार्ट बटन के द्वारा रिस्टार्ट कर देते हैं, या किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो रिस्टार्ट हो जाता है, तो उस रिस्टार्टिंग के प्रोसेस को वार्म बूट कहा जाता है। व्हेन द कंप्यूटर इज रिस्टार्टेड विदाउट बीइंग स्विच्ड ऑफ, और कंप्यूटर रिस्टार्ट आफ्टर अ सिस्टम क्रैश और फ्रीजेस। जब कंप्यूटर पहले से ही स्टार्ट हो और आप पावर बंद किए बिना उसे रिस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूट कहा जाता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज की क्लास में प्रैक्टिकली हमें जो जो नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में होना चाहिए वो सारा हमने डिस्कस किया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसके अलग अलग एप्लीकेशंस को हमें यूज़ करना भी आना चाहिए। क्योंकि हम बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हैं, इसलिए मैंने एक लिस्ट आपके लिए तैयार की है कि आपको बेसिक कंप्यूटर में विशेष तौर से ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते समय क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको कंप्यूटर ऑन और ऑफ़ करना आना चाहिए, उसके वायरिंग सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर ऑन और ऑफ़ में क्या है, तो दोस्तों कंप्यूटर एक मशीन है, इसका ऑन करने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका है और ऑफ़ करने का भी एक इसका सिस्टमेटिक तरीका है। ये TV नहीं है कि जब चाहे तब आप डायरेक्टली पावर बटन से इसे ऑफ़ कर दें।
जो नए यूज़र हैं, जो पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं, उन्हें इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हमें कंप्यूटर को ऑन करना है, कितनी देर इंतज़ार करना है और कब कंप्यूटर हमारा काम करने के लिए तैयार होगा। उसी तरह से वायरिंग सिस्टम, कौन सी पावर केबल कहाँ लगेगी, USB केबल क्या होती है, पेन ड्राइव आपको कहाँ लगानी है, मॉनिटर की केबल कहाँ लगेगी, कोई केबल लूज हो जाती है तो हमें किस तरह से पता चलता है, PS2 कीबोर्ड क्या है, USB कीबोर्ड क्या है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इन सभी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद हमें डेस्कटॉप के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, डेस्कटॉप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वॉलपेपर चेंज करना, स्क्रीन सेवर लगाना, थीम्स चेंज करना, शॉर्टकट्स का यूज़ करना और उन्हें क्रिएट करना। डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, उन आइकॉन्स को हमें क्रिएट करना आना चाहिए, वो डिलीट हो जाएं तो उन्हें वापस लाना आना चाहिए। इसी तरह से कैलकुलेटर का यूज़ करना आना चाहिए, गैजेट्स आपने कई लोगों की स्क्रीन पर देखा होगा, अलग अलग किसी के क्लॉक बनी होती है, किसी के कोई आइकॉन लगा होता है, किसी की न्यूज़ ऑटोमेटिक चलती रहती हैं, उन सभी को हम गैजेट्स कहते हैं और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी हमें सीखना चाहिए। इस तरह से फाइल और फोल्डर सिस्टम, किस तरह से आपको बेहतरीन ढंग से अपने कंप्यूटर को मैनेज करना है, फाइल किसे कहते हैं, फोल्डर क्या होता है, किस तरह से उन्हें क्रिएट करते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। रिसाइकल बिन का यूज़ करना आपको आना चाहिए, कंट्रोल पैनल का बेसिक जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। इस तरह से डेट एंड टाइम से संबंधित सेटिंग्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप किसी प्रोग्राम को सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह से करते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। विंडोज़ के जो बेसिक एप्लीकेशन है, नोटपैड, वर्डपैड, उन्हें आपको चलाना आना चाहिए, उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। इस तरह से पेंट ब्रश, ये दिखने में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बच्चों के काम में आता है लेकिन कभी कभी बड़ों का काम भी ये निकाल देता है, इसलिए पेंट ब्रश का नॉलेज भी हमें होना चाहिए। गेम्स चलाना भी हमें आना चाहिए, गेम्स कहाँ होते हैं, किस तरह से उन्हें निकालते हैं वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए जो स्टिकी नोट्स नाम का एप्लीकेशन होता है उसका यूज़ करना हमें सीखना चाहिए। हमारे कंप्यूटर में जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पेन ड्राइव ऑपरेशंस, DVD ऑपरेशंस, मीडिया प्लेयर, आपको कोई फाइल कॉपी करनी है पेन ड्राइव से सिस्टम में लेनी है या अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जानी है, आपको कोई अपने शादी की DVD चलानी है, कोई गाने चलाने हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परफेक्ट बनाती हैं और आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। इसी तरह से यदि आप अपने कंप्यूटर की मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो इसमें कुछ सिस्टम टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। आपको इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, यदि आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहें तो वो किस तरह से चलेगा, केबल कनेक्शन या DSL मॉडम के माध्यम से चलाना चाहें तो वो किस तरह से चलेगा, वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, उनका किस तरह से हम यूज़ करते हैं, प्रिंटर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम का किस तरह से हमें यूज़ करना है, कौन कौन से फ्री एंटीवायरस हमें उपलब्ध होते हैं, हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, और यही नहीं आपको फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए। WinZip, WinRAR ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। विंडोज़ से संबंधित इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। माउस ऑपरेशंस, राइट बटन क्या करता है, लेफ्ट बटन क्या करता है, स्क्रॉल बटन क्या काम करता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उनका कब कब यूज़ करते हैं, वो सारी जानकारी भी आपको परफेक्ट बनाने में हेल्प करेंगी। इस तरह से जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कौन सा कंप्यूटर हमें खरीदना चाहिए, हमारी क्या आवश्यकता है और किस आवश्यकता के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर खरीदना चाहिए। कई बार ये प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा होता है कि हम डेस्कटॉप खरीदें, लैपटॉप खरीदें या हमारा काम मोबाइल से ही हो जाएगा, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो मोबाइल में चल सकती हैं और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो केवल कंप्यूटर्स में ही चल सकती हैं। तो इस तरह का सारा जो बेसिक नॉलेज है वो आपको परफेक्ट बनाता है और ये सारा विंडोज़ के अंदर ही कवर होता है। तो दोस्तों यदि आप आदेश करेंगे तो मैं इन टॉपिक्स को लेकर आगे भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के बेसिक टॉपिक्स को लेकर वीडियोस अपलोड करूं, तो आप मुझे आदेश दीजिएगा, उसी के अनुसार आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे।
आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टेली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।